नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। देव स्टॉक से फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BSEL अल्गो लिमिटेड के बारे में। इस शेयर के ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है, जब इसका प्राइस 17 रुपीज़ और 18 रुपीज़ के बीच में था। अभी आज इसका जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 11 रुपीज़ का। तो सब लोगों ने कमेंट किया था कि कंपनी को जो लॉस हुआ है उसकी वजह से क्या ये शेयर नीचे आएगा। उस टाइम हमने यही कहा था कि इस शेयर का जो प्राइस है आते आते 9 और 10 रुपीज़ के आसपास भी आ सकता है, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी दोस्तों, क्योंकि इसका जो सपोर्ट है वो सपोर्ट था 9 रुपीज़ से लेके 11 रुपीज़ के बीच में इसका सपोर्ट था। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कहा था, इसका जो फर्स्ट सपोर्ट ये ले सकता है 12 to 13 रुपीज़ का, और ये अगर क्रॉस होता है तो सेकंड सपोर्ट इसका रहेगा 10 to 11 रुपीज़ का, और इसने 10 रुपीज़ के आसपास ही सपोर्ट लिया है, और अब इसका जो प्राइस चल रहा है 11 रुपीज़। तो हमको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कंपनी बहुत अच्छी है। आने वाले दिनों में इसका जो टारगेट रहेगा 17 to 18 रुपीज़ का इसका फर्स्ट टारगेट आएगा। उसके बाद इसका फाइनल टारगेट रहेगा जो इसकी बुक वैल्यू है 54 रुपीज़। अभी भी इसको बाय कर सकते हैं क्योंकि इसका जो प्राइस है एट्रेक्टिव मुझे नज़र आ रहा है कि जो बुक वैल्यू है यही इसका टारगेट है। अब कंपनी का कामकाज आप देख सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी काम करती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनकी जो वेबसाइट है इसके ऊपर विजिट कर सकते हो दोस्तों। वहीं प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो 16.4% की प्रमोटर होल्डिंग है जो कंटिन्यूसली एक ही है, इसमें किसी प्रकार की कोई गिरावट नहीं हुई है। उसके बाद DIs की इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं है, और पब्लिक की जो इन्वेस्टमेंट है वो करीबन 83.55% की है। वही PNL की बात की जाए, क्वार्टरली इस कंपनी को लॉस हुआ है दिसंबर 2023 में। तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी ये जो RSI है वो 48 के आसपास है, और इसका जो ग्रीन कैंडल बनना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो इसका फर्स्ट टारगेट 17 to 18 रुपीज़ आएगा। अगर ये टिक जाता है 17 to 18 रुपीज़ को, आने वाले दिनों में इसका जो टारगेट है 54 रुपीज़ तक जा सकता है, लेकिन इसको टाइम लगेगा। ऐसे नहीं कि 2-3 महीने में ये 54 रुपीज़ को अचीव करेगा, 4-6 महीने भी लग सकते हैं या 7-8 महीने भी लग सकते हैं। तो BSEL अल्गो में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो दोस्तों। वैसे बाय और सेल की सलाह नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लेना दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर एंड लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।